अगर आप राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ करी गई उसी को देखें तो किस तरह से 55 घंटों में 10 ही सवाल पूछ पाए, 5 दिन तक सवाल करते रहे और 10 सवाल इनके पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब ही है ना कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इन चोचलों से डरने वाली नहीं है। ये मोदी जी तो बहुत ही बड़े कायर प्रधानमंत्री बने हैं देश के, जिनको देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं मालूम, वो बदले की भावना से करते हैं। क्योंकि आप याद करके देखिए कि जब 2002 हुआ था उसके बाद जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने उन पर जिस तरह से आक्रामक रूप से उनको निशाने पे लिया था, आज उसी का बदला वो ले रहे हैं। अब पॉलिटिकली तो इसका जवाब वो दे नहीं पाए, लेकिन याद करके देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बताता है कि मौत का सौदागर कहा था भाई, जो जो मुख्यमंत्री है और उसके राज्य में अगर इतने लोगों की मौत हो जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म के होते, किसी भी धर्म के होते, जिस धर्म के थे उस धर्म को तो लड़वाने का काम इनका है ही, दोनों धर्मों को लड़वाने का। लेकिन अगर लोगों की मौतें हुई और जिस प्रकार से हुई, जिस प्रकार से कान आंख नाक बंद रखे हुए थे मोदी जी ने उस वक्त, क्या वो आपने और मैंने नहीं देखा? और कहा जाता है उनको क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट तो उस हर व्यक्ति को मिलती है जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, और जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो कौन से सबूत लेके आता है। तो अगर आप इन सब बातों को देखेंगे तो ये जो बदले की राजनीति है ना, क्योंकि जिस जो जो उनके निशाने पे आज है वो सब वही है जो उनको उस समय निशाने पे ले रहे थे, जिनका मतलब 2002 के गुजरात के दंगों से रहा है। हमारे लिए देश का हर व्यक्ति के प्राण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, प्रेशियस होते हैं, इनवैल्यूएबल होते हैं। और मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो अपनी राजनीति, अपना बदला, इन सब चीजों से मतलब है। और इसीलिए क्योंकि वो देश के एक ऐसे ऑटोनॉमस बॉडी ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नेताओं के विरोध में और उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश, उनका मनोबल तो टूटेगा नहीं मगर उनके माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक थोड़ा सा इससे बिल्कुल हटके एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी राहुल जी, जो मैं देख रही हूँ आजकल नेशनल टेलीविजन पर, जब मैं पंजाब की डिबेट देखती हूँ ना तो मोदी जी का जो सोचने का तरीका वो दिखाई देता है। आप बताइए कि वहां पे मेन विपक्षी दल कौन है, या तो कांग्रेस पार्टी बोलेंगे आप या अकाली दल बोलेंगे, मगर जानते हैं जितने मूसेवाला कैंडिडेट भी थे कांग्रेस पार्टी के, है ना, उनकी हत्या पे जितने डिबेट्स मैं देख रही हूँ, जिस भी गोदी चैनल का नाम ले लीजिए, उन सब में या तो भाजपा दिखाई देती है या आम आदमी पार्टी। इसका मतलब क्या है, जिसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है आप उसको वहां बैठा रहे हैं जबरदस्ती करके। तो मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोदी जी का जो तरीका है काम करने का, अगर कोई ध्यान से देखेगा तो कोई नई चीज वो नहीं कर रहे हैं, वही पुरानी पैंतरेबाजी, बदला लेना है, जिसने मेरे खिलाफ बोला उससे बदला लेना। करण थापर को देख लीजिए कितने बढ़िया वो एक जर्नलिस्ट रहे हैं, आज भी है, मगर उनका क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है। तो अब अफसरों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, देखते हैं कि कोर्ट क्या कहती है जिन अफसरों को अरेस्ट कर लिया गया है उनके उनके बारे में, लेकिन जिस तरह से हर चीज में वो कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है, तो एक तरफ उनका पर्सनल बदला है और इस पर्सनल बदले में वो दिखाने की ऐसी कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ये तो हम कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं, और आरएसएस वालों को बताएंगे कि जी हमारा तो एजेंडा आपका वाला एजेंडा है, मगर एजेंडा मोदी जी का पर्सनल है, अमित शाह का पर्सनल है। अमित शाह भूल जाएंगे कैसे उनको ले जाया गया था, गृह मंत्री थे वो गुजरात के, कैसे उनको जेल ले जाया गया, कैसे तड़ी पार हुए थे, और वो तड़ी पार कोर्ट ने किया, कोर्ट का सम्मान ये करते नहीं, ठीक है, वो तो संविधान ठीक का है सम्मान सिद्धार्थ करते साहब, नहीं और ना ना नेशनल सिद्धार्थ सिंबल्स का सम्मान करते हैं। तो ये चाल चरित्र चेहरा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं इनसे, और इनको यही बता रहे हैं कि अगर आपने देखो, आप एक बात बताओ, एक महिला अगर, ये तो लॉ है ना कि किसी महिला से अगर आप पूछताछ करने जाना चाहते हैं तो घर भी जा सकते हैं, किसी से भी पूछताछ करने, जब कोई कोर्ट केस होता है या कोई आपके ऊपर केस करता है तो पुलिस आती नहीं है आपसे पूछताछ करने, उसी प्रकार से सोनिया जी से भी तो पूछताछ की जा सकती है, वो बीमार रही है और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। भाजपा के तो नेताओं ने अभद्र भाषा में इस बारे में कई बार कहा है उनकी बीमारी को लेकर। तो आप मुझे बताइए, जो बीमार हैं, जिनको अभी कोरोना हुआ था वो अस्पताल में भर्ती रही, उनको बुला के आज आप पूछताछ कर रहे हो, और आखिरी बात
आपको मालूम है, इन्होंने ये भी बात फैलाने की कोशिश करी है मीडिया के माध्यम से कि सोनिया जी ने कहा कि अब आज आप जो है पूछताछ मत करिए, ये झूठ है। और ऑन रिकॉर्ड में ये डालना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं रात के 8 बजे तक भी बैठने को तैयार हूँ, जितने सवाल आपने करने सब करिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम देखिए आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब दोबारा से उन्हें बुलाया जाएगा, तो ये क्या बता रहा है? ये भाजपा का मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा, चाल और चरित्र हम जानते हैं, चेहरा आप बहुरूपिये का बार बार देखते हैं। बिल्कुल, दो बातें हैं, बाकी आपने एक पॉलिटिकल चीज के, दूसरा अशोक गहलोत है जो आपने कहा कि घर पे ईडीएम की जा सकती थी, तो अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में आज कहा था कि ऐसा किया जा सकता था, लेकिन अब ये भी देखना, मतलब मेरे पास जानकारी पुख्ता तौर पे नहीं है कि क्या कांग्रेस ने इस तरह का कोई आवेदन या पहले प्री रिक्वेस्ट की थी या नहीं। खैर, अब चूंकि पूछताछ होगी, अब दोबारा 25 जुलाई को आना पड़ेगा, तो ये पांच है, सेकेंड दोबारा पांच वो। सेकेंड पांच हाँ सेकेंड पांच सेकेंड देखिए, ऐसे कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं है। ये ईडी वालों को भी पता है कि वो घर में जाके पूछताछ कर सकते हैं। आवेदन देने का क्या मतलब है? आप हमें प्रताड़ित करना चाहते, करते रहिए। हम सामने आएंगे मगर लड़ेंगे भी आपसे। और ना केवल आप नाम ले रहे थे अभी किसी का कि उन्होंने ये बात कही अशोक गहलोत जी ने, मैं आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा जो कभी भाजपा में होते थे, आज राष्ट्रपति के कैंडिडेट है विपक्ष की ओर से, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अगर पूछताछ करनी थी तो ईडी जा सकती थी। इस तरह का उत्पीड़न आखिर क्यों? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।